नमस्कार। एक मिसाइल या बोलिए बॉम्ब वो टेस्ट किया जिसका नाम है गौरव। ये गाइडेड मिसाइल बॉम्ब है, मतलब लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है। ग्लाइड करता जाएगा, गाइडेड होगा, इसको सेंसर्स रडार्स इसको गाइड करेंगे ये कहाँ जाके करना है, लेकिन ग्लाइड करेगा। कोई मोटर नहीं है इसमें या कोई इसमें इंजन नहीं है। इसको टेस्ट किया सुखोई एमकेआई प्लेटफॉर्म से उड़ीसा में, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। इसी में बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल शैलेंद्र सर। कर्नल सर पहले ही भारतीय सेना में जॉब कर चुके हैं और एक लंबे अरसे से देश की सेवा में। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर ये जो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद सर। सर ये जो गौरव है ये भारत के लिए कितना बड़ा गौरव? अगर कोई भी सिस्टम जब एक कंट्री अपने लिए बनाता है तो उसके दो भाग हो सकते हैं। एक भाग क्या वो सिस्टम अपने आप में इम्पोर्टेंट है, उसकी अहमियत है या नहीं। दूसरा, क्या वो अपने देश के लिए कुछ कमा पा रहा है, कुछ कर पा रहा है, या अपने लोगों के लिए यूजफुल है या नहीं। कोई भी बॉम्ब सिस्टम बनाना अपने आप में, मैं ये तो नहीं कह पाऊंगा कि ये हर आदमी की इनकम में कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, लेकिन ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा कि ये मेरे देश की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में इतना बड़ा योगदान करेगा कि लोगों को एक फ्री बिजनेस करना, फ्री तौर तरीके से रहना, बेखौफ होकर रहना, वो एक अपने आप में बड़ी बात है। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये कहता हूं कि ये जो उड़ीसा में कोस्ट ऑफ उड़ीसा में ये जो बॉम्ब का टेस्टिंग हुआ है, व्हीलर लॉन्ग व्हीलर आइलैंड जो जहां पर ये इसको टेस्ट किया गया है, ये एक बहुत ही फिनोमिनल डेवलपमेंट है, एक फैंटास्टिक अचीवमेंट है, और मैं तो कहूंगा एक माइंड बॉगलिंग डेवलपमेंट है फॉर द वर्ल्ड। क्योंकि ये वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज थे जिनका के इसके ऊपर काबू था, इस निश टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका एक तरीके से दबदबा था, क्योंकि वो कहीं पर भी किसी भी तरह से ये टेक्नोलॉजी किसी दूसरे के साथ शेयर नहीं करते थे। और आज हम देख रहे हैं कि DRDO ने ना केवल उसको अचीव किया है, बट जो स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है उसको डेवलप कर शायद आज मैं कह पाऊंगा कि उन कंट्रीज से एक स्टेप हम आगे चले गए हैं। डेफिनेटली हम उनसे एक कदम पीछे जरूर नहीं है, ये बात मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह पाऊंगा। आत्मनिर्भर भारत बोले या मेक इन इंडिया बोले, ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है जो कि कोई और कंट्री हमें देने के लिए तैयार नहीं था, हमने खुद बनाई है। सर इस बॉम्ब को यूज कहां किया जाएगा, इसके फायदे क्या हैं, किस एरिया में यूज किया जाएगा और इसको कैसे यूज किया जाएगा? सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अगर मैं आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में बताऊंगा तो शायद लोगों को समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आपके पास एक फेमस बॉम्ब था जो आपने बालाकोट में इस्तेमाल किया, स्पाइक 1000/2000। स्पाइक बॉम्ब ये वो कैपेबिलिटी के साथ था कि जहां उसका डिटेक्शन हो पाना अपने आप में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मोटर नहीं थी, और वो ग्लाइड पाथ कर अपने आप को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो उसका नेविगेशन सिस्टम है वो ड्यूअल और हाइब्रिड है, INS भी उसमें इन्वॉल्व है और GPS भी उसमें इन्वॉल्व है, और वो अपने आप को गाइड कर पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ टारगेट के ऊपर जाकर टारगेट में अंदर घुसकर फटता है। मतलब टू दी एक्सटेंट स्पाइक का अगर हमको हिस्टोरिकली याद हो तो वो बॉम्ब अगर ये कैपेबिलिटी के साथ था कि अगर 3 फ्लोर का घर है और हमें दिखता है या इंटेलिजेंस है कि बीच वाले फ्लोर में टेररिस्ट बैठे हुए हैं अपनी मीटिंग कर रहे हैं, तो ये बॉम्ब वो वाले बॉम्ब्स हैं जो ऊपर से छेद करेंगे, ड्रिल करेंगे एक तरीके से वो अपनी काइनेटिक एनर्जी के साथ, और जाकर वो इतने वेल प्रोग्राम्ड हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ सेकेंड फ्लोर जो बीच वाला फ्लोर है उसमें जाकर उस कमरे में ब्लास्ट करेंगे, जिससे कि उस कमरे के अंदर कुछ ना बचे। हो सकता है ऊपर की बिल्डिंग रह जाए बची हुई क्योंकि पिलर्स पर है, हो सकता है नीचे के ग्राउंड फ्लोर रह जाए, लेकिन फर्स्ट फ्लोर में कहीं कुछ नहीं बचे। ये वो वाली टेक्नोलॉजी की बात आज हम कर रहे हैं, क्योंकि जब जब हम बोलते हैं ग्लाइड, ग्लाइड है पहले तो लॉन्ग रेंज, लॉन्ग रेंज का मतलब ये है 50 से 150 किलोमीटर। दैट मीन्स अगर मेरा सुखोई इंडिया में अपने ही बॉर्डर के साथ रहता है और क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने का मतलब लड़ाई डिक्लेयर करना है, और ये इस तरह के बॉम्ब हमें कहां काम आएंगे। मुझे नहीं लगता कि मुझे इससे आर्मी के पाकिस्तान आर्मी के हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक करना, ये काम आएंगे हमें टेररिस्ट कैंप्स के लिए,
जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये काम आएंगे हमारे को उन हाइडआउट्स पर जहां पर सो कॉल्ड टेररिस्ट या उनके जो आका हैं वो अंडरग्राउंड बैठे हुए हैं, सेफ हेवंस में बैठे हुए हैं। ये वहां हमारे को काम आने वाले हैं कि अपनी बॉर्डर बिना क्रॉस किए आप इस बॉम्ब को छोड़ दीजिए, 10 किलोमीटर हाइट से आप उसको छोड़ पाते हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात है, 10 किलोमीटर हाइट पर आप उसको छोड़ रहे हैं, 50 से 150 किलोमीटर पहले जहां से आप छोड़ रहे हैं उसके बाद ये ट्रेवल कर उस टारगेट को जाकर डिस्ट्रॉय कर रहा है। 1000 kg का उसके अंदर पेलोड है, वॉरहेड है जो बॉम्ब के अंदर लगा हुआ है। और इसमें भी हमारे पास वैरायटी अवेलेबल है कि किस तरीके से हम इसको मॉडिफाई कर जो हमारा टारगेट का स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल एम है उसको हम अचीव कर पाए। सो अगर मिला जुला कर देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आखिरी जो इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि ना केवल ये प्रिसीजन गाइडेड वेपन है, ये एक पिन पॉइंट एब्सोल्यूट क्लैरिटी के साथ जिसको बोलते हैं ना बुल्स आई, ये वहां जाकर स्ट्राइक करता है। ओवरऑल आपके सामने है बात, कहां काम आ सकता है ये उन्हें भी पता है और हमें भी पता है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा पाकिस्तान बी वेयर, वी आर देयर एंड वी आर कमिंग आफ्टर यू टू हेल्प यू कि आपके यहां का टेररिस्ट कैंप आज के बाद सेफ नहीं होगा। चाइना भी जो इंट्रूजन्स कर रहा है यूज वहां भी हो सकता है सर। मैंने ये बात जानबूझ के चाइना के लिए छोड़ दी थी क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में कहा कि मेरा जो पाकिस्तान का टेररिज्म है वो मेरे लिए एनिमी नंबर वन है। ट्रेडिशनल वॉर में तो मुझे पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ही नहीं है, और जहां तक ट्रेडिशनल की बात आती है चाइना विल हैव अ स्लीपलेस नाइट, वो सो नहीं पा रहा होगा, खौफ में होगा। मैं तो कहता हूं रात में बुरे बुरे सपने आ रहे होंगे कि जिस तरीके के उसने हाइडआउट अपने लिए बनाए हैं, कंफर्ट हाउसेस बनाए हैं अपने ट्रिप्स के लिए, आज के बाद वो कोई भी सेफ हाउस या ट्रिप्स हाउस या एकोमोडेशन सेफ नहीं है क्योंकि उसने ये सारी चीजें अंडरग्राउंड बनाई है। इसलिए मैंने आपको कहा कि 1000 kg कहां काम आएगा, वहीं काम आएगा। 10 किलोमीटर की हाइट से जब वो आ रहा होगा तो आप उसे डिटेक्ट कैसे करेंगे, जिस मैं तो कहूंगा इवन टू दी एक्सटेंड कि तकरीबन ये समझ लीजिए कि 230 माइल्स पर आवर की स्पीड के साथ ये प्रोजेक्टाइल आपके तरफ आएगी ग्लाइड करते हुए, 230 माइल्स पर आवर, इमेजिन करिए क्या स्पीड है। कहां आप डिटेक्ट करेंगे, कहां इसके काउंटर मेजर लेंगे, क्योंकि डिटेक्ट करने में आपको उसका आवाज चाहिए, आपको उसका जो एटमॉस्फेयर में घुसने के बाद जो उसकी जो नॉर्मल फ्रिक्शन से आवाज होती है वो सब चाहिए जो इसमें उसको नहीं मिले। सो यस चाइना यू आर ऑल्सो गोइंग टू हैव स्लीपलेस नाइट। अच्छा सर एक अगर मैं और क्वेश्चन पूछूं आपसे, ये जो गौरव जो मिसाइल ग्लाइड बॉम्ब है ये इंडिया ने बनाया विदाउट एनी सपोर्ट बनाया, क्या इंडियन मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग उस लेवल पे पहुंच चुकी है जहां वो ग्लोबल कंपटीशन हो, क्योंकि ये हम जब हम अजरबैजान को बेच रहे हैं क्या ये हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं? देखिए अगर जिसको बोलते हैं ना सच्चाई जब तक हम फेस नहीं करेंगे तब तक हम यही सोचते रह जाएंगे कि हम क्या है क्या नहीं है। हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया लेकिन हमने बड़ी सच्चाई के साथ ये एक्सेप्ट किया कि हमारा 76% जो एयरक्राफ्ट कैरियर बना वो इंडिजिनाइज था, इसका मतलब 20-25% उसमें चीजें बाहर से जरूर लगी। बेवकूफी होगी ये सोचना कि मैं सारी चीजें खुद ही मैन्युफैक्चर कर सारी चीजें खुद ही लगाकर और अपने आप में एक ऐसा बॉम्ब बना लूं, उसके लिए हमें चाहिए बड़ा ऑर्डर, उसके लिए चाहिए हमें बड़ी इंडस्ट्री। जब हम छोटे स्केल पर काम करते हैं तो हम कुछ एक चीजें दाएं बाएं से खरीदते हैं, हालांकि वो टेक्नोलॉजी आपके पास होती है, उसको खरीदने के बाद टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम उसे मॉडिफाई या शूटिंग योरसेल्फ वाला ड्रिल करते हैं जहां पर मेक इन इंडिया आ जाता है। एक चिप को लेना ताइवान से, ताइवान इज द चिप इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की चिप वहां से जाती है, अगर हम उस चिप को लेते हैं और उसे झोंका त्यों लगा देते हैं तो मैं यह जरूर मानूंगा कि फॉरेन इंटरफेरेंस हो गई। लेकिन हम उस चिप में वो मॉडिफिकेशन कर जो हमारी नीड है जब हम उसे इस्तेमाल करते हैं तो वो चिप अब आपकी इंडिजिनाइज हो गई क्योंकि उसमें आपने एक मॉडिफिकेशन, उसको यूज करने का तरीका निकाला है।
अब आप बताइए कौन से ऐसे डायोड्स हैं, ट्रायोड्स हैं, ट्राइंडस्टर हैं जो कि बाहर से नहीं आते, बट दीज आर ऑल रेगुलर आइटम्स जिसको बोलते हैं, हमारे पास इंडस्ट्री है। सो अगर बड़ी सफाई के साथ और ईमानदारी के साथ बात करी जाए, एक वेपन सिस्टम का जो दिल और दिमाग होता है अगर वो आपका है तो आई थिंक इट इज अ इंडिजिनाइज्ड वेपन। यहां पर ये जो नेविगेशन, हाइब्रिड नेविगेशन सिस्टम है, ये आपका अपना है, जो इसके लिए आपने जो टेक्नोलॉजी की एनहांसमेंट करी है, ये आपकी सीखी हुई बाहर से हो सकती है, लेकिन उसे इसके अंदर अप्लाई कैसे किया जाए ये आपका अपना है। और आप इसीलिए देखेंगे कि जैसे ब्रह्मोस में, ऐसा नहीं है कि ब्रह्मोस हमारी 100% अपनी है, लेकिन इट इज अ मेक इन इंडिया आइटम, हमने किसी के साथ कोलैबोरेट किया है, और इस पर्टिकुलर केस में हमने वो कोलैबोरेशन इंडियन इंडस्ट्रियल हाउसेस के साथ करी है, डीआरडीओ। सो इसलिए मैं कह सकता हूं, फक्र ले सकता हूं, प्राउड हूं, घमंड करता हूं इस बात पर, मैं तो ये भी कह रहा हूं कि ये मेरा अपना वेपन सिस्टम, अपना वेपन सिस्टम है। बिल्कुल सही सर। फाइनल क्वेश्चन आपसे लूंगा, क्या ये इंडियन ओशन में घूमते हुए चाइनीज शिप्स को भी एक खतरा बना रहेगा उनके लिए? 100% इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब एयर से आप कोई, जैसे सुखोई से अगर आप कोई बॉम्ब छोड़ते हैं तो आप उसे ग्राउंड पर डाल रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड पर 1000 kg का जब वॉरहेड घुसेगा तो वो नीचे तक असर करेगा। इसी तरह अगर किसी भी वॉरशिप में अपर डेक के ऊपर ये लगता है तो ये उसमें घुसेगा, अपर डेक में नहीं लगता है, साइड से लगता है तो भी आप देखते हैं कि वो डैमेज उतना ही करेगा। सो अगर आप बात करेंगे शिप की, तो यस, इट इज वेरी डेंजरस टू द शिप। मे बी के एक सबमरीन के लिए इसको अभी हमने डेवलप नहीं किया है, क्योंकि वो जो एंटी सबमरीन वाले जो वेपन सिस्टम्स होते हैं उसकी एक टेक्नोलॉजी में फर्दर एनहांसमेंट होती है। एज फार एज नॉर्मल शिप्स आर कंसर्न, एयरक्राफ्ट कैरियर आर कंसर्न, ठीक है, मैं मानता हूँ एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ जो चीजें चलती हैं वो इसे इंटरसेप्ट करने की काबिलियत रख सकती हैं, उसमें कोई बड़ी, क्योंकि दिस इज नॉट अ हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम। हाइपरसोनिक में प्रॉब्लम आ जाती है ट्रैकिंग की, काउंटर मेजर्स की वगैरह वगैरह, इसमें वो नहीं है। इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर, ECM मेजर्स इस बॉम्ब के लिए हो इसलिए नहीं सकते क्योंकि इसमें ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही नहीं है जिसको आप फेल करेंगे, ये तो ग्लाइड कर रहा है। सो ऑब्वियस बात है कि आप इसको रोकेंगे कैसे, इसको ट्रैक कैसे करेंगे। यस, एक बार दिख जाए, बट दिखने के बाद 230 किलोमीटर माइल्स पर आर की स्पीड का एक प्रोजेक्टाइल आपकी तरफ आ रहा है, आप जरूर कर सकते हैं फ्लेयर्स बिखेर दीजिए, उसके सामने अपना एयरक्राफ्ट ले आइए, क्योंकि आप अपना सो कॉल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बचाना चाहते हैं, इस तरह की ड्रिल्स हो सकती हैं, लेकिन अपने आप में इसकी काबिलियत किसी शिप पर भी अटैक करने की जरूर है, क्योंकि जिस किसी ने सही कहा है, वेपन सिस्टम कोई भी बना सकता है, उस वेपन सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला जो दिमाग है वो सक्सेस पैदा करता है, वेपन सिस्टम अपने आप में कभी सक्सेस नहीं देता। राइट, थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग, बहुत अच्छा डिस्कशन रहा। इट इज के गौरव, कितना बड़ा गौरव है ये आपने बताया, और ऐसे और बहुत सारे वेपन सिस्टम्स अभी होंगे हम। यस सर प्लीज। मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, ये गौरव आपका और मेरा, भारत का, भारतीय सेना का, भारतीय वासियों का सबसे बड़ा गौरव होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अपना अपना। बिल्कुल सही सर, और इसी पे हम लोग अभी और बहुत सारे सिस्टम्स होने वाले हैं टेस्ट, yes. या उस उन पे भी बात करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद सर। जय हिंद, थैंक।